दिस इज प्रोफेशनल एडवाइस एंड प्रोफेशनल कर्टसी जो मैं बता रहा हूँ, पैसे ना देना पहले, पैसे चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अब बात जो है ना उस पे आ गई है, ज्वाइनिंग लेटर पे। ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसी वक्त बैंक जाके उसी वक्त ट्रांसफर करेगा। ज्वाइनिंग लेटर आएगा जब क्या करूंगी? जाके पैसे अगर वो मांगे तो पैसे दे देना, वरना पैसे ना देना। अच्छा, लेकिन वो लोग तो ज्वाइनिंग लेटर से ही तो पहले थोड़े बहुत पैसे लिए हैं। ये काम नहीं होता जो, देखे ऐसे ही काम होता है, जो करने वाले होते हैं ऐसे ही होता है। मैंने भी सरकारी मुलाजमत की है, मुझे पता है ऐसे ही काम होता है। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसी वक्त पैसे ट्रांसफर कर देते हैं या कैश उसी सेकंड एज हाथों हाथ दिया जाता है और लिया जाता है, दैट्स इट। वरना ये पैसे जाने का डर होता है, क्या आपको क्या पता क्या हुआ है। खैर जो भी है देख लें, आपकी मर्जी है, वजीफा कर रहे हैं सब कुछ का, ये ना हो मेरे मत्थे चढ़ जाए। चीज ये कि क्या कहते हैं, एहतियात करें, एहतियात करें। बोलो कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, ज्वाइनिंग लेटर तुम हाथ में दिखाओ और उसी वक्त पैसे देंगे, देर एंड देन, ठीक है ना। और चाय भी पिलाएंगे और नान खताई मंगवा लिएगा और केक रस, वो जरा अच्छा है। केक रस का फायदा ये होता है कि गले हुए पुराने सड़े हुए अंडों से बना होता है, बहुत टेस्टी होता है वो, मशहूर है कराची का आइटम, ठीक है ना, केक रस। हाँ।